दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना है। 1988 से 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उन्हें श्रद्धांजलि देना है। शिमला के रिज मैदान में नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने एक नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बड़ू साहिब सिरमौर की प्रशिक्षु छात्राओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। छात्राओं ने एड्स के कारण, बचाव और इलाज के साथ ही एड्स पीड़ितों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा दीक्षा ने बताया कि लोगों में एड्स जैसी महामारी को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है ताकि इससे बचाव हो सके, साथ ही एड्स के मरीजों के साथ होने वाले भेदभाव को भी रोका जा सके। इसको आगे लाने से अगर सोच बदल लिया, अभी अगर संभल लिया तो कोई नहीं रोक सकेगा हमें इससे जिताने में, हमें इसे जिताने में। तुम्हारा दोस्त हूँ, अब तुम्हें मुझे ही गले लगाना पड़ेगा। मेरी बेटी यूं बेकाबू हो सकती है अपने बच्चे को? इस विश्व एड्स दिवस पर खुद को जागरूक एवं शिक्षित बनाइए और अपने परिवार को एड्स की बीमारी। हाँ बिट्टू, क्या हुआ बेटा? मुझे बिट्टू के पापा बढ़ावा, बहुत बढ़ावा। भारत में जनधन योजना की गई है लागू, की भी किसी को भी हो सकता है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई भी धर्म का हो। HIV किसी को भी हो, लक्षण है तो घर पे ना बैठे डॉक्टर के पास जाए और अपनी जांच करवाए। तो हम भी देंगे जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार की मेडिकेशन देंगे, उन मेडिकेशन के दूसरे इंसान पे ट्राई करते हैं तो उस तरह से भी हम HIV वायरस अपनी बॉडी में ला सकते हैं। तुम्हारी है तो इसके बारे में पता कैसे लगेगा कि हमें HIV या फिर एड्स है तो नहीं? तो जाहिर सी बात है कि जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बड़ू साहिब सेकेंड ईयर की एक छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 दिसंबर है, इसे हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1988 के बाद हमने ये मनाना शुरू किया था 1 दिसंबर से, इसलिए हम हर साल इसको 1 दिसंबर को ही मनाते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का, इस अवेयरनेस प्रोग्राम का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें एड्स के बारे में जानकारी नहीं है, बस उन्होंने सुना है कि एड्स एड्स, बट लोगों को पता है नहीं कि एड्स होता क्या है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें एड्स के बारे में बताएं होता कैसा है ये, और इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता ये रोग होता क्या है, बट इसके बारे में धारणा है कि ये छुआछूत है, छूने से या फिर ऐसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एड्स कभी भी छूने से, साथ खाने पीने से नहीं होता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे इंसान को होती है, बट ये बीमारी हमारे शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि आंसू, माँ का दूध, यौन रस, खून, इसके कांटेक्ट में आने से होती है। ये कभी भी छूने या साथ खाने पीने से नहीं होती। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें एड्स दिवस पे कि एड्स है क्या, ये किससे फैलती है, HIV नामक वायरस है जो एड्स कॉज करता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि लोग एड्स के बारे में जाने, सतर्क रहे, और जैसा कि यहाँ पे इसके लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि तो लोग जाने कि इसके लक्षण क्या है, और अगर किसी में, लोगों में इसके लक्षण है तो वो जाके अस्पताल जाएं और अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि भारत में 90% से ज्यादा लोग 90% से ज्यादा लोग एड्स के मरीज हैं, लेकिन वो खुद ये तक नहीं जानते कि वो एड्स से पीड़ित है। कुछ लोगों को एड्स के मरीज हैं वो, लेकिन बेटे उन्हें पता नहीं है कि वो एड्स से पीड़ित है। इसलिए हम अपने इस लक्षणों के और अपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि अगर उनमें ऐसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल जाए और अपना चेकअप करवाए। इस बार जो 2022 का थीम है वो है इक्वलाइज, यानी समानता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाव होता है कि छुआ छू, छूना नहीं है, तो हम एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ समानता से बिहेव करें, उनके साथ मतलब सम्मान, मतलब इक्वलाइज ही इस साल की थीम है कि उनके साथ उन्हें भी सम्मान दिया जाए, उनके साथ समानता से पेश आया जाए।